तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से अक्षय कुमार की हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म जिसका की टाइटल है सम्राट पृथ्वीराज। वाकई फिल्म कमाल की है यार, आपको एक ऐसी फील दिलाएगी कि आप सोचोगे यार आप भी कहीं 12th सेंचुरी में पहुंच चुके हो। बिल्कुल सेट एकदम हुबहू जिसके लिए 900 कारीगरों ने मेहनत की है 8 महीने तक, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और काफ़ी सालों की मेहनत लगी है चंद्र प्रकाश द्विवेदी की, जिन्होंने कि इस फिल्म को काफ़ी बड़े नज़रिए से देखा है, काफ़ी बड़े नज़रिए से बनाया है। तो बस जानेंगे आज इस वीडियो में कि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन क्या आ रहा है और ये फिल्म कल यानी सेकंड डे कितना कलेक्शन कर सकती है, क्या ओपनिंग आ सकती है। वेल, आज तो फिल्म का कलेक्शन इतना कुछ खास नहीं था क्योंकि यार इसको सुबह से जो मॉर्निंग शोज चल रहे थे वो काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, हर तरफ से इसको नेगेटिविटी मिल रही थी। लेकिन इवनिंग तक आते आते, नाइट तक आते आते इसके शोज हाउसफुल आने लगे हैं क्योंकि इसका जो प्रमोशन वैसे तो नहीं हो पाया, मतलब हुआ है लेकिन पब्लिक कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को टारगेट कर रही है, जिसकी वजह से अक्षय कुमार का प्रमोशन करना यूजलेस माना जा रहा है। लेकिन जो इस फिल्म का माउथ टू माउथ प्रमोशन हुआ है वो वाकई काबिल तारीफ है और यही हुआ था कहीं ना कहीं दी कश्मीर फाइल्स के साथ। यकीन मानिए कल से इस फिल्म के लिए एक अलग सुबह होगी। जो इस फिल्म ने आज कलेक्शन किया है 22 से 23 करोड़ रुपये का इंडिया से, ये फिल्म कहीं ना कहीं 25-30 करोड़ कमा सकती है कल इंडिया से। यकीन मानिएगा आज इस फिल्म की जो ओपनिंग थी एडवांस से वो थी 5 करोड़ 80 लाख की। यकीन मानिएगा कल की ओपनिंग एटलीस्ट 6 से 7 करोड़ की जा सकती है एडवांस से। जहां पर इस फिल्म ने आज 30 से 35 करोड़ कमा रही थी फिल्म पहले दिन इंडिया ग्रॉस नहीं वर्ल्ड वाइड से, तो कल ये फिल्म 40 करोड़ भी कमा सकती है। जहां पर इसका 2 दिन का कलेक्शन हो चुका हुआ एटलीस्ट 75 करोड़ प्लस। वेल, आपको क्या लगता है जो इसका बजट है 250 से 300 करोड़ क्या ये रिकवर कर पाएगी, क्या फिल्म हिट होगी? काफ़ी सारे सवाल हैं जो इस फिल्म से बने हुए हैं। सभी सवालों का जवाब जल्द मिलेगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।